बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम एनीलिडा के बारे में बात करेंगे। चूंकि हम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाइलम एनीलिडा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि इन एनिमल्स को एनीलिडा क्यों कहा जाता है। एनीलिडा ये वर्ड बेसिकली लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है और एनीलिड का मतलब है लिटिल रिंग्स या लिटिल रिंग। इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स बने होते हैं और ये सेगमेंट्स बॉडी के ऊपर रिंग फॉर्म में नज़र आते हैं, छोटी रिंग्स की शक्ल में नज़र आते हैं, इसलिए इनको एनीलिडा या सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। अगर हम इस एनिमल को देखें तो ये एनिमल की बॉडी है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, यानी वर्म है, और इसके ऊपर ये इस तरह की रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती हैं, इसलिए इनको सेगमेंटेड वर्म्स या एनीलिडा कहा जाता है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सिर्फ इनकी एपिडर्मस या जिल्द पे ही मौजूद नहीं, ये सेगमेंट बॉडी के अंदर भी हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी चैम्बर्स बने हैं। तो ऐसे सेगमेंट जो एक्सटर्नली भी नज़र आएं और बॉडी के अंदर भी मौजूद हों, ऐसे सेगमेंट्स को हम मेटामर्स का नाम देते हैं। मेटामर्स, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई दो सेगमेंट अलग करके हम देखें तो ये दो सेगमेंट एक्चुअली कैसे नज़र आएंगे। ये एक्सटर्नल तौर पे नज़र आएगा, कंस्ट्रिक्शन सी बनी होगी बॉडी, यहाँ से थोड़ी सी श्रिंक फॉर्म में होगी, थोड़ी सी पिचकी हुई होगी, और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये सेगमेंट एक्सटर्नल हैं, लेकिन यहाँ से ही बॉडी के अंदर भी एक पार्टीशन बनी है, एक वॉल बनी है, इस वॉल को क्रॉस वॉल या सेप्टम कहा जाता है। दिस इज़ नोन एज सेप्टम। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सेगमेंट एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। फर्दर इन सेगमेंट्स के अंदर एक फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को सिलोमिक फ्लूइड कहा जाएगा। सेलोमिक फ्लूइड, दिस इज सेलोमिक फ्लूइड, और ये जो कैविटी जिसमें ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, दैट इज द सिलोम, बॉडी कैविटी। अब फाइलम एनीलिडा जो हैं, इनकी लाइफ फॉर्म कैसी है? लाइफ फॉर्म के तौर पे अगर देखा जाए तो ये फ्री लिविंग भी हिम है, यानी नॉन पैरासाइट्स हैं, दीज आर नॉट पैरासाइट। इस फाइलम के कुछ मेंबर, बल्कि मोस्ट मेंबर फ्री लिविंग हैं, नॉट पैरासाइट। और उसमें से हमारे पास एग्जांपल है अर्थवर्म, बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में, उर्दू में या हिंदी में हम इसको कैंचुआ भी कहते हैं। ये हमको डैम्प सॉइल, गिली मिट्टी में मिलता है और इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है। इसी तरह स्टाइलेरिया एक और मेंबर है इस फाइलम का, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, हैबिटेट इसका एक्वेटिक एनवायरनमेंट है और फ्रेश वाटर है। इसी तरह एक्वेटिक हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज़ नेरिस, और ये हमें मिलेगा मैरीन एनवायरनमेंट में, दिस वन। तो ये फ्री लिविंग जो एनीलिडा हैं, उनकी तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, अर्थवर्म, स्टाइलेरिया और नेरिस। इसके बरक्स इस फाइलम में एक ग्रुप ऐसा है, एक क्लास ऐसी है जो कि पैरासाइटिक है,
लिविंग होस्ट से अपनी फूड हासिल करते हैं, और उसकी एग्जांपल हमारे पास है लीच, जिसको कॉमन लैंग्वेज उर्दू में, हिंदी में हम जोंक का नाम भी देते हैं। ये बेसिकली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो उस पानी में, किसी तालाब जोहड़ में, दरिया में, नदी नाले में कोई एनिमल, कोई ह्यूमन एंटर होगा तो ये लीच उसकी स्किन के साथ चिपक जाती है और फिर वहाँ से ब्लड को सक करती है। इसका मतलब ये अपने होस्ट की बॉडी में तो नहीं एंटर हो रही, इसलिए इसको हम एक्टो पैरासाइट कह सकते हैं। तो लीच यहाँ पे एक्टो पैरासाइट के तौर पर एक्ट करती है, ये इनकी लाइफ फॉर्म है। अब हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी सिस्टम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की रूह से देखा जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ये ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी इनकी बॉडी में डेवलपमेंट के दौरान इनके एम्ब्रियो में तीन सेलुलर लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए हम इनको ट्रिपलोब्लास्टिक कहते हैं। डेवलपमेंट के दौरान थ्री सेलुलर लेयर्स डेवलप होती हैं तो ये ट्रिपलोब्लास्टिक है। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, सिमेट्री के लिहाज से, बॉडी ऑर्गन्स की अरेंजमेंट के लिहाज से ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। इवन कि इनकी लार्वल स्टेजेस भी बाइलेटरल सिमेट्री वाली हैं और अडल्ट स्टेज पे भी ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले ही हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री के अलावा इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इनमें ट्रू सिलोम मौजूद होती है। ट्रू सिलोम, इनकी बॉडी कैविटी को ट्रू सिलोम क्यों कहा जाता है कि इट डिवेलप फ्रॉम मेसोडर्म। डेवलपमेंट के दौरान जो मेसोडर्म लेयर होती है वो स्प्लिट होती है और फिर इन दो मेसोडर्म लेयर के दरमियान जो कैविटी बनती है, स्पेस बनती है, उस स्पेस को आप ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी का नाम देते हैं। अब इनमें चूंकि ये सेगमेंटेड हैं तो इनके बॉडी ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर इनकी बॉडी के ये तीन सेगमेंट मैं शो करूँ आपके सामने, ये तीन सेगमेंट हैं, मेटामर्स हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अब कुछ बॉडी ऑर्गन ऐसे होंगे जो हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग मौजूद होंगे, जैसे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये। लेकिन कुछ बॉडी सिस्टम इनके ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के लिए कॉमन है, वो हर सेगमेंट में अलग से मौजूद नहीं। जैसे अगर आप इनके गट की बात करें, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वो पूरी बॉडी में कॉमन ही है, हर सेगमेंट में से ये गट गुजर है, ये एक ही है पूरी बॉडी में। जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी बॉडी में एक नहीं है, वो हर सेगमेंट का अलग से है, रिपीट इन ईच सेगमेंट। लेकिन गट या इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरी बॉडी के लिए कॉमन ही है, वो हर सेगमेंट में अलग से रिपीट नहीं होता। इसी तरह अगर आप इनकी ब्लड वेसल्स की बात कर लें, नर्वस सिस्टम की बात कर लें, ब्लड वेसल या नर्वस सिस्टम, तो वो भी पूरी बॉडी के लिए क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो हेयर इज द गट और ये इनकी ब्लड वेसल्स या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये पूरी बॉडी के लिए कॉमन है। इसी तरह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात कर ली, इसी तरह अब हम बात करेंगे इनकी फिजियोलॉजी की, कि ये अपने डिफरेंट फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे जिक्र कर लेते हैं इनकी सपोर्ट या प्रोटेक्शन। तो इनको सपोर्ट कैसे मिलती है, सॉफ्ट बॉडी है इनकी, तो इनकी बॉडी को बेंड होने से कौन बचाता है, इनको मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाता है, यानी इनका स्केलेटन क्या है, तो इनकी बॉडी कैविटी में चूंकि फ्लूइड फिल्ड होता है तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक्चुअली बॉडी को सपोर्ट देती है
और इस तरह के स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा जाता है। इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जब बॉडी के मसल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो रिएक्शन के तौर पे बॉडी के अंदर रिजिडिटी पैदा हो जाती है, बॉडी के अंदर टर्जिडिटी पैदा हो जाती है, बॉडी के अंदर टाइटनेस आ जाती है और इसी वजह से इनकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है। तो हम इसके स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर का मतलब कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स हैं, फूड इंजेशन करने के लिए माउथ होगा और ईजेशन के लिए एनस होगी या एनस होगी। दो ओपनिंग है इनके गट में, माउथ एंड एनस। इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक को हम ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक का नाम देते हैं। हाँ, यहाँ पे जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं, हो सकता है उनका डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत ज़्यादा वेल डेवलप ना हो, लेकिन जो फ्री लिविंग मेंबर्स हैं इस फाइलम के अंदर, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक वेल डेवलप है और उसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं। जैसे इस डाइजेस्टिव ट्रैक को अगर मैं शो करूं तो एक डायग्राम से, ये वर्म की बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है ये, हियर दिस वन सेगमेंटेड बॉडी, यहाँ पे इनका माउथ है, माउथ से पीछे डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टोमिक, देन इंटेस्टाइन एंड फाइनली एंड पे जाके ओपनिंग होगी एनस। ये आप देख सकते हैं दो ओपनिंग इनके अंदर आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे है माउथ। अब इनका जो माउथ है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर हैंग कर रही है, इसके माउथ के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर लटकी हुई है इजाफी तौर पे, इनकी स्किन का एक पोर्शन माउथ के ऊपर हैंग कर रहा है। इस पोर्शन को प्रोस्टोमियम का नाम दिया जाता है, इट इज़ नॉन एज प्रोस्टोमियम, और ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके ऊपर कीमोरिसेप्टर, टच रिसेप्टर्स होते हैं कि जब भी कोई फूड माउथ में एंटर होनी है उससे पहले पहले इसको सेंस किया जाएगा कि इसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड हैं, इसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड मौजूद तो नहीं। और जब प्रोस्टोमियम से सेफ्टी का सिग्नल क्रिएट हो जाएगा तो फिर उस फूड को इंजेस्ट कर लिया जाता है। अब ये मैंने पहले बताया कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स, उससे पीछे है ईसोफेगस, देन स्टोमिक एंड देन इंटेस्टाइन, यानी इनके गट में स्पेशलाइज पार्ट्स बने हैं और उनके स्पेशलाइज फंक्शंस हैं। इसे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी, कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। एनिलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं और ब्लड भी मौजूद है। चूंकि ब्लड वेसल मौजूद हैं तो इसका मतलब ब्लड वेसल के अंदर रहकर सर्कुलेट कर रहा होता है, इसलिए हम इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। बिकॉज ब्लड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड वेसल्स, किसी भी स्टेज पे ब्लड इनकी ब्लड वेसल में से बाहर नहीं आता, वो पूरी गर्दश उसकी ब्लड वेसल के अंदर पैक होकर ही हो रही है, इसी इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये तीन किस्म के में ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी मेंशन कर लेते हैं। इनकी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट पोर्शन हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड के तौर पे हम कहते हैं ये गट है हमारे पास इसकी बॉडी का, ये इस लिहाज से हमें ब्लड वेसल की लोकेशन आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा।
तो ये जो इसोफेगस है, ये इसकी राइट और लेफ्ट साइड पे, यानी इसकी लेटरल साइड आप कह सकते हैं, यहाँ पे हार्ट्स मौजूद होते हैं। 4 पेयर भी हो सकते हैं, किसी स्पीशीज में ये 5 पेयर भी हो सकते हैं। तो ये मैंने 4 पेयर हार्ट के मेंशन किए हैं। इसको ज़रा समझ लें कि एक्चुअली लोकेशन क्या है। ये देखें, अगर आप ये समझें कि ये इसोफेगस है, तो ये 4 हार्ट इसोफेगस की ये एक साइड पे होंगे, राइट साइड पे, और 4 हार्ट इसोफेगस की लेफ्ट साइड पे होंगे। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ डायग्राम में एक साइड शो कर रहा हूँ, तो ये 4 हार्ट हैं और 4 इसी तरह के इसोफेगस की दूसरी साइड पे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं देयर आर 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। और ये जो हार्ट है, ये हमारे हार्ट जैसा नहीं है, एक्चुअली ये इनकी ब्लड वेसल आर्टरीज की मॉडिफाइड फॉर्म है। इनकी आर्टरीज में मसल्स ज़्यादा हैं और उनमें थोड़ी कंट्रैक्शन की एबिलिटी भी आ गई है, ब्लड पंप करने की एबिलिटी आ गई है, तो इसको हम हार्ट की बजाय मॉडिफाइड हार्ट कहें तो ये ज़्यादा बेहतर टर्म होगी, ये ज़्यादा बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब हार्ट के साथ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से एक ब्लड वेसल गुजर रही है, दैट इज़ द डॉर्सल वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल। चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम या गट के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए मैं इसको डॉर्सल वेसल का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह एक वेसल गट के नीचे से भी गुजर रही है, हेयर, ये चूंकि गट के नीचे से गुजर रही है, इसको मैं पोजीशन के तबार से क्या नाम दे दूंगा, इसे वेंट्रल वेसल का नाम दे दूंगा। इट इज़ वेंट्रल वेसल, गट के नीचे से गुजर रही है, इसलिए इसको वेंट्रल वेसल कहते हैं। अब वेंट्रल वेसल के नीचे इनके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जी, नर्व कॉर्ड। ये मैं ब्लैक कलर में मेंशन कर रहा हूँ, ये नर्व कॉर्ड है, दिस वन नर्व कॉर्ड। अब इस नर्व कॉर्ड के नीचे से भी एक वेसल गुजरेगी और वो वेसल कहलाएगी सब न्यूरल वेसल, ये दिस विल बी नोन एज सब न्यूरल वेसल, सब न्यूरल वेसल। इसका मतलब एनिलिडा के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हैं, बॉडी की पूरी लेंथ में गुजर रही हैं, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक। एक गट के ऊपर से है डार्सल ब्लड वेसल, एक गट से नीचे से गुजर रही है वेंट्रल ब्लड वेसल, और एक नर्व कॉर्ड के नीचे से गुजर रही है, उसको हम सब न्यूरल वेसल का नाम देते हैं। अब फर्दर इन वेसल्स के आपस में कनेक्शंस हैं थ्रू ब्लड कैपिलरी या स्मॉल ब्लड वेसल, और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आप देख सकते हैं स्किन के नीचे तक जा रही हैं, सप्लाई ब्लड टू द स्किन एरिया, एपिडर्मल एरिया। ये बहुत सारी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी से लिंक करते हुए हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात कर लें कि ये ब्रीथ कैसे करते हैं, इनमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, सांस कैसे लेते हैं। तो अगर इनकी बॉडी का एक पार्ट, एक स्किन का एक पोर्शन मैं शो करूं, ये तो इनकी स्किन ही दरअसल इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये स्किन के थ्रू ही एक्चुअली ब्रीथिंग करते हैं। अब स्किन ब्रीथिंग ऑर्गन है, अगर ये स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो इसमें वैसे फीचर भी होने चाहिए। यस, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, मॉइस्ट रहती है हर वक्त, और इसके नीचे ब्लड कैपिलरी का एक प्लेक्सस, एक नेटवर्क भी है। तो स्किन के अंदर ये कहीं कहीं पे ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, ये इन ग्लैंड्स को म्यूकस ग्लैंड कह सकते हैं आप, म्यूकस ग्लैंड, हियर इज द म्यूकस ग्लैंड। और इसी तरह स्किन में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको डर्मल पोर्स कह सकते हैं, दीज आर द डर्मल
पोर, स्किन में मौजूद माइक्रोस्कोपिक सुराख हैं। अब ये जो म्यूकस है, इसमें से म्यूकस प्रोड्यूस होती है और ये बाहर स्किन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है। ये म्यूकस स्किन के ऊपर इकट्ठी होती जाती है, इसका मतलब इनकी स्किन हर वक्त स्लिपरी रहती है, हर वक्त स्टिकी रहती है, चिपकने वाली और मॉइस्ट भी रहती है। इसी तरह स्किन के नीचे सिलोमिक फ्लूइड होता है और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये डर्मल पोर्स के ज़रिए ये भी स्किन से बाहर आता है और ये स्किन के ऊपर जमा हो जाता है। तो स्किन के ऊपर दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, एक म्यूकस जो म्यूकस ग्लैंड में से रिलीज हुई है और सिलोमिक फ्लूइड जो बॉडी कैविटी के अंदर से बाहर आया है, किसके थ्रू? डर्मल पोर के थ्रू। अब इन दो चीज़ों की वजह से स्किन हर वक्त मॉइस्ट रहती है और इसी तरह स्किन के नीचे हमने अभी पढ़ा कि ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क भी है। ये मैं एक ब्लड कैपिलरी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन इस म्यूकोसलोमिक फ्लूइड में अब्सॉर्ब होगी, फिर स्किन सेल में से गुजर कर ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी तरह तमाम सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में और ये इसी रास्ते से, इसी रूट के थ्रू ये बॉडी से बाहर चली जाती है। तो चूंकि ये गैसेस एक्सचेंज सारा स्किन के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम स्किन को क्या नाम दे रहे हैं? इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। को बकायदा फिर सिस्टम मौजूद नहीं है, आप कह सकते हैं स्किन ही एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रही है। तो इसके साथ अब हम इनके नर्वस सिस्टम का भी जिक्र कर लेते हैं कि एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको भी हम ड्रा करते हैं। अगेन स्टैंडर्ड के तौर पे हम लेंगे गट को, ये गट है, इस हिसाब से नर्वस सिस्टम की लोकेशन भी हम देख सकते हैं। ये अब इनका जो इसोफेगस है, इसोफेगस के ऊपर दो गैंग्लिया नज़र आएंगे आपको। गैंग्लिया मेड अप ऑफ सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडी कहीं पे इकट्ठी हो जाएं तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है, एक दानेदार ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप गैंग्लियन कह रहे हैं। चूँकि ये इसोफेगस से ऊपर मौजूद हैं इसलिए इनका नाम ही हमने क्या रख दिया है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सुपर इसोफेजियल गैंग्लिया। और यही दरअसल इनका ब्रेन है, यही इनका ब्रेन है। अब ये जो ब्रेन है इसमें से फिर एक न्यूरॉन की बनी एक धागे जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, नर्व कॉर्ड, और ये डबल नर्व कॉर्ड है। चूंकि ये नर्व कॉर्ड गट से नीचे से गुजर रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक से नीचे से गुजर रही है, इसलिए इस नर्व को हम क्या नाम दे देंगे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये डबल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये। और फिर हर सेगमेंट के अंदर इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर फर्दर गैंग्लियन मौजूद हैं, इन ईच सेगमेंट ये गैंग्लिया मौजूद है। चूंकि ये गैंग्लिया ब्रेन गैंग्लिया से अलग हैं इसलिए इनको पेरिफेरल गैंग्लिया भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल गैंग्लिया। मैं मेंशन भी कर देता हूँ इनको, पेरिफेरल गैंग्लिया इन एडिशन टू ब्रेन। अब इन पेरिफेरल गैंग्लिया में से फर्दर छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं जो उस सेगमेंट में मौजूद बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं। इन नर्व्स को लेटरल नर्व्स कहा जाएगा, नॉन एज लेटरल नर्व्स। तो ये इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तीन कंपोनेंट है इनका, ब्रेन है,
जिसको हम सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया भी कह सकते हैं। फिर ब्रेन से डबल नर्व कॉर्ड निकलती है जो गट से नीचे से गुजर के बॉडी की लेंथ तक जा रही है। फिर इसके ऊपर जगह जगह पे पेरिफेरल गैंग्लिया हैं और हर पेरिफेरल गैंग्लिया में से फर्दर नर्व्स निकलती हैं जो करीब तीन मौजूद बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। इन नर्व्स को लेटरल नर्व्स का नाम दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है एनिलिडा का, वो इनकी लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन के लिए यकीनन फिर मसल्स का भी होना ज़रूरी है। तो अब हम इनके मसल्स और इनके लोकोमोशन की बात कर लेते हैं कि एनिलिडा में लोकोमोशन कैसे होती है। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास दो किस्म के मसल्स हैं, वो भी एक डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये एनिलिड की बॉडी है, दिस वन सेगमेंटेड बॉडी है ये, और ये सेप्टम बने हैं ये, दिस वन। अब इनकी बॉडी के ऊपर दो किस्म के मसल्स हैं। जो मसल एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक जा रहे हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल मसल कहा जाता है। लेंथ वाइज है ना, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये बिल्कुल स्किन के नीचे ही मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जबकि बहुत सारे मसल्स स्किन के नीचे ही लेकिन सर्कुलर वे में अरेंज हैं, रिंग फॉर्म में अरेंज हैं। ये रिंग फॉर्म में जो मसल्स हैं, दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। तो दो किस्म के मसल इनकी बॉडी में मौजूद हैं। अब ये दोनों मसल एक वक्त पे साइमल्टेनियसली बयक वक्त कंट्रैक्ट नहीं करते, इनकी कंट्रैक्शन क्या होती है, अल्टरनेट, अल्टरनेट कंट्रैक्शन इनमें होगी, अल्टरनेट कंट्रैक्शन। अब अल्टरनेट कंट्रैक्शन में क्या होगा, पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉडी पोस्टीरियर एंड इस तरफ और एंटीरियर एंड इस तरफ, यानी बॉडी इनकी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, लेंथ में कम हो जाएगी, बॉडी की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर मसल के कंट्रैक्ट करने से बॉडी क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। क्यों, आप ये देखिएगा, अगर ये अर्थवर्म की बॉडी है तो इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड है और इसके इर्द गिर्द रिंग की शक्ल में मसल अरेंज है। सपोज करें कि ये मेरा हाथ जो है ये रिंग मसल है, तो जब मैं इसको कंट्रैक्ट करूँगा तो सारा प्रेशर किसके ऊपर जाएगा, सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर। सिलोमिक फ्लूइड वहाँ से आगे की तरफ फ्लो करेगा और बॉडी का उतना पोर्शन क्या हो जाएगा, एलोंगेट। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक बैलून लेना आपने, उसमें पानी भर लेना है, उसके मुंह को बंद कर दें। अब बैलून को पकड़े दोनों हाथों में और इसको ऐसे प्रेस करें, कंप्रेस करने से क्या होगा कि बैलून आगे वाले हिस्से से फैल जाएगा, इलांगेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीकाकार किस में हो रहा होता है, अर्थवर्म या एनिलिडा की लोकोमोशन में हो रहा है। ये तरीका स्पेसिफिकली मैं किसके लिए आपको बता रहा हूँ, ये अर्थवर्म के लिए है, ये तमाम एनिलिडा के लिए मेथड नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल के कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, बॉडी फोल्ड हो जाएगी। सर्कुलर मसल के कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, बॉडी वहाँ से एलोंगेट हो जाएगी। इसका मतलब जब ये मूव कर रहे होते हैं अर्थवर्म खास तौर पे, तो ये सिचुएशन है, पहले बॉडी इनकी क्या होती है, फोल्ड, फिर क्या होती है, एलोंगेट, फिर क्या होती है, फोल्ड अगेन, क्या होती है, एलोंगेट होती है। तो इस तरह की लोकोमोशन जो है इसको हम नाम देते हैं अकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन, अकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन। अकॉर्डियन क्या है, ये म्यूजिक में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, आपने देखा होगा कॉमन लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा। ये दो हैंडल बने होते हैं जहां पे हम हाथ से इसको पकड़ सकते हैं और बीच में ब्लैक
और वाइट कलर की रबड़ लगी होती है। जब आप इसको प्रेस करते हैं फिर भी इस इंस्ट्रूमेंट में से आवाज़ पैदा होती है, और जब इसको रिलैक्स करते हैं फिर भी, तो बिल्कुल अकॉर्डियन की तरह ही, रबड़ की तरह ही ये फोल्ड भी होते हैं और इलॉन्गेट भी होते हैं। इसलिए इस लोकोमोशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज अकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन। अब देखिए, मसल का काम तो सिर्फ ये है कि बॉडी को फोल्ड किया जाए या इलॉन्गेट किया जाए, फोर्स क्रिएट किया जाए, लेकिन लोकोमोशन में एक अहम मामला ये होता है कि ज़मीन के साथ आपको अपने आप को ग्रिप भी किया जाए, फिर ही मूव करेंगे ना हम। जब तक अर्थ के साथ ग्रिप नहीं करेंगे तो मूव कैसे करेंगे। तो अर्थ के साथ ग्रिप करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं सीटी, या इनको कीटी भी कह सकते हैं आप। अब ये एक्चुअली निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये मोस्टली अर्थवर्म की बॉडी पे, लोअर वेंट्रल सरफेस पे, जो इनकी साइड ज़मीन के साथ टच कर रही होती है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर मौजूद है। तो अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर इनकी देखना चाहें सीटी की, तो आप ये देखें, ये इनकी बॉडी की अगर वेंट्रल सरफेस है ये वाली, तो इस वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक सैक होती है स्किन के नीचे, ये देयर इज़ ए सैक, और इस सैक के अंदर सीटी मौजूद होते हैं, और ये सीटी ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, बाहर भी निकाले जाते हैं। और जब इन्होंने मूव नहीं करना होता, लोकोमोट नहीं करना होता, तो ये सीटी वापस सैक के अंदर खींच लिए जाते हैं। वो कैसे खींच लिए जाते हैं, यहाँ पे पीछे इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं जिनको रिट्रैक्टर, वापस खींचने वाले मसल भी लगे होते हैं, रिट्रैक्टर मसल्स। और रिट्रैक्टर मसल्स का फंक्शन क्या है कि ये सीटी को वापस अंदर सैक के अंदर खींच लेते हैं। इसके बरक्स अगर आप नेरीज की बात कर लें, तो नेरीज के अंदर भी सीटी मौजूद है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। मैकेनिज्म काम करने का सेम है, लेकिन नेरीज के जो सीटी हैं वो बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं, जिसको आप लेटरल साइड कहते हैं। अब उनकी अरेंजमेंट अगर आपने देखनी हो तो कैसे, अगर ये हमारे पास नेरीज की बॉडी है, ये बॉडी की दो साइड में मेंशन कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट। अब पहले इन साइड से प्रोजेक्शंस बाहर निकली होती हैं, ये पैरापोडियम, हियर आर द पैरापोडियम, ये इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, पैरापोडिया, पैरापोडिया, ये। फिर इन पैरापोडिया से सीटी बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, इधर भी और इधर भी, हेयर एंड हेयर, दीज आर द सीटी, ये। तो ये सीटी अर्थवा में भी मौजूद है, नेरीज में मौजूद है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और उम्मीद है कि आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे। लीच के बारे में क्या ख्याल है, लीच जो है उसमें सीटी है ही नहीं, और लीच में जो लोकोमोशन होती है वो अकॉर्डियन लाइक नहीं होती। अगर तो वो पानी के अंदर है लीच, तो फिर तो वो स्विमिंग भी कर रही है, और लीच जो है वो पानी के बॉटम, अगर किसी पत्थर के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर उसने चलना है, तो फिर उसके लिए इसकी मूवमेंट लूपिंग मूवमेंट होती है। लूपिंग मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी कि अगर ये मेरी फिंगर को आप समझें कि ये लीच है, तो ये लूप क्या बनेगी, पहले ये ऐसे, फिर स्ट्रेट होगी, फिर लूप बनेगी, फिर स्ट्रेट होगी, फिर लूप बनेगी। तो ये लूपिंग मूवमेंट आपको ना अर्थ में मिलेगी, ना आपको नेरिस में मिलेगी, लूपिंग मूवमेंट आपको सिर्फ लीच में मिलेगी। फाइनली एनिलिडा की रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं, और इनमें डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन अर्थवर्म की हद तक थोड़ी मौजूद है कि अगर अर्थवर्म के हम हेड को, एंटीरियर एंड को, फर्स्ट सेगमेंट को हम रिमूव कर दें, तो अर्थवर्म उस सेगमेंट को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन ये कोई बहुत एडवांस लेवल की रीजनरेशन नहीं है। ऐसा नहीं देखने में आया कि एक सेगमेंट हो और उससे पूरा अर्थवर्म ही डेवलप हो जाए, इस तरह की रीजनरेशन रिपोर्टेड नहीं है। तो फिर ज़्यादा डोमिनेंट रिप्रोडक्शन एनिलिडा में क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और सेक्चुअरी प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर इनमें गैमीट प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी होगी जी बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन भी होगी। अब इसमें गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए गोनेट्स भी होंगे। अब इसमें अगर आप अर्थवर्म और लीच का जिक्र करना चाहें, अर्थवर्म और लीच, तो ये दोनों हर्माफ्रोडाइट हैं कि एक ही बॉडी के अंदर टेस्टी और ओवरी दोनों मौजूद हैं। ये दोनों क्या होते हैं जी, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्चुअल, एक ही बॉडी, एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर आप नेरीज की बात करें तो नेरीज जो हैं उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल नेरीज की बॉडी अलग है और फीमेल नेरीज की बॉडी अलग होती है। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर लार्वल स्टेज भी मौजूद है। और एनिलिडा में जो डोमिनेंट लार्वल स्टेज है, फ्री लिविंग लार्वा है, स्विमिंग लार्वा है, दैट इज नोन एज ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसका मतलब अगर लार्वल स्टेज डेवलप हो रही है तो फिर ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब ये जो एनिलिडा हैं ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर हम लीच की बात करें तो लीच जो है इसके सलाइवा में से एक कंपाउंड निकाला जाता है, दैट इज द एंटी कोएगुलेंट कंपाउंड। ये वो कंपाउंड है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। देखिए, लीज ने जब अपने होस्ट का ब्लड सक करना है तो वो ब्लड होस्ट की बॉडी में से बाहर आते क्लॉट हो गया तो लीज फिर पिएगी क्या, किसको सक करेगी। इसका मतलब जब ये अपने होस्ट को बाइट कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे उस एरिया पे ये अपना सलाइवा लगा देते हैं और उस सलाइवा के अंदर एंटी कोएगुलेंट कंपाउंड है जहाँ से होस्ट का ब्लड निकलता रहेगा, वो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, वो क्लॉट नहीं होगा। तो हम लीज के सलाइवा में से ये एंटी कोएगुलेंट कंपाउंड निकाल के तो उसको फिर हम एज मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसको सर्जरी के दौरान जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म चूँकि गिली मट्टी में रहता है, डैम्प सॉइल में, तो ये बरोज बनाता है, ये ज़मीन के अंदर अपनी सुरंग बना के, तो यानी कि ज़मीन को खोद कर उसकी गहराई में जा रहा होता है। तो जब ये ज़मीन को खोद रहा होता है तो ये एक्चुअली ज़मीन की जो नीचे वाली तह होती है उसको ऊपर ला रहा होता है, यानी इसको मिक्सिंग कह सकते हैं आप। और आपको पता होगा कि हम ज़मीन में जब हल चलाते हैं, अपने खेतों में हल चलाते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि एक तो सॉइल मिक्स अप हो जाए, नीचे वाली ऊपर आ जाए, दूसरा वो जब सॉफ्ट होगी उसमें एयर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, बारिश का पानी या दूसरा पानी उसके अंदर जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, ड्रेनेज उसकी ज़्यादा होती है। तो यही काम नेचुरली सॉइल के अंदर आपके खेतों के अंदर कौन कर रहा होता है, अर्थवर्म। कहा जाता है कि अगर सॉइल की जरखेजी ज़्यादा नहीं है तो उसमें अर्थवर्म को रख दिया जाए, बहुत सारे अर्थवर्म को वहाँ पर ग्रो करवा दिया जाए, तो उनकी एक्टिविटी की वजह से सॉइल खोदने की एक्टिविटी की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा हो जाता है। इसलिए अर्थवर्म को कुदरती हल कहा जाता है, दैट इज नोन एज नेचुरल प्लो, दैट इज नेचुरल प्लो, कुदरती हल है। जो काम खेतों में आप हल चला के करवाते हैं वही काम यहाँ पे अर्थवर्म करता है। दैट्स ऑल अबाउट फाइलम एनिलिडा। और इस सिलसिले में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लेक्चर के नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।